हेलो गाइस, आई एम डाइटिशियन ब्रजेश सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रजेश सिंह फिटनेस। गाइस, जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स वैसे तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट कॉमन होने के साथ साथ ये उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इससे आपके डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। आप छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाते, बहुत तकलीफ़ होती है और ये तकलीफ़ कॉन्टिन्यूस बनी रहती है, हर गैप में या हर थोड़ी देर पर या फुल डे भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, जॉइंट पेन, मसल पेन, गठिया, ऐसी चीज़ों में सूजन, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इससे निजात पाने के लिए एक अच्छे सप्लीमेंट, एक टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे, जो यूज़ करके आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हो, उनका सॉल्यूशन पा सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए ब्रजेश सिंह फिटनेस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले और जल्दी देख सकें। आज मैं बात करने वाला हूँ हाशमी हेल्थ केयर अमरोहा द्वारा निर्मित पेनाजोन टैबलेट्स के बारे में, बट उससे पहले चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये ज्वाइंट पेन और मसल पेन्स एक्चुअली में होते क्यों हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। क्योंकि देखा गया है कि पहले के दिनों में ये एक एज के बाद ही ज़्यादा होते थे, जैसे एजड लोगों को बहुत एज होने के बाद होते थे, तो वो एक कॉमन था, चल जाता था कि बोन वीक हो चुकी है, मसल्स वीक हो चुकी है, एज ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए इस तरह के मसल पेन और बॉडी पेन या जॉइंट पेन्स हो रहे हैं। बट आज की डेज में इसकी कोई एज लिमिट ही नहीं रह गई है, बहुत यंग लोगों को बहुत कम एज से ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो ये एक थोड़ा सीरियस इशू है। तो इसीलिए पहले जान लेते हैं कि रीज़न क्या है। तो पहला तो हमारी बैड जो डाइट है वो इसका रीज़न हो सकता है, हमारा गलत खान पान, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, हम कैल्शियम नहीं लेते, हमारी डाइट में प्रॉपर विटामिंस मिनरल्स नहीं जाता, जिसके वजह से हमारी बोन्स मसल सब कुछ वीक हो जाता है, वो ताकत नहीं रह जाती और वो जल्दी ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है, उसमें पेन, स्वेलिंग, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सेकेंड चीज़ है, हमारा रूटीन बहुत ही गड़बड़ हो चुका है, सोने का उठने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, तो सेकंड चीज़ रूटीन के वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड, अगर कॉन्टिन्यूस किसी की ऐसी जॉब है जिसको कॉन्टिन्यूस फुल डे बैठे रहना पड़ता है चेयर पे, तो बैठे बैठे भी आपकी नेक और बैक पेन में पीछे प्रॉब्लम आ जाती है। आप कॉन्टिन्यूस 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे कॉन्स्टेंटली, मूवमेंट नहीं है, आप चल नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, तो बैक में और नेक में आ जाती है प्रॉब्लम। या फोर्थ, आपका कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ज़्यादा वर्क है, आप कंप्यूटर में ज़्यादा वर्क करते हैं या मोबाइल में ज़्यादा वर्क करते हैं, तो ऐसे करके गर्दन में देखते देखते आप उसको करते रहते हैं काफ़ी देर तक, तो उसके वजह से पॉस्चर के वजह से आपका बैक भी पेन होता है और नेक भी पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब बात करते हैं, मैंने जिसके बारे में आपको आज ये वीडियो है, पेनाजोन टैबलेट्स के बारे में, तो ये जान लेते हैं कि जैसे ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि मसल पेन और जॉइंट पेन्स के लिए तो है ही, बट इसके एक्चुअल में डीप में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों में इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। पेनाजोन जॉइंट्स एंड मसल पेन में काफ़ी रिलीफ देती है, ये अर्थराइटिस पेन में भी रिलीफ देती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ये बोन पेन को कम करती है और स्वेलिंग को कम करती है, ये बैक पेन और नीज पेन को भी कम करती है और ये गठिया में भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। मैंने आपको इसके इतने सारे बेनिफिट्स तो बता दिए, पर चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है जो इन बेनिफिट्स को प्रमोट करता है, जिनकी वजह से आपको ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आइए जानते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें रसना, सोंठ, आरंड, पहाड़ी देवदार, गिलोय, कलौंजी, अश्वगंध, सुरजन, तलख जैसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। गाइस, ये सारे के सारे ही इंग्रेडिएंट्स हर्बल हैं, इसलिए प्रोडक्ट टोटली सेफ है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ में काम आता है, जो आपके जॉइंट पेन और मसल की पेन की प्रॉब्लम है वो किस वजह से होती है, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आप लोगों ने जान लिया। और अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो उसको करना कैसे है। अगर आप इसको लेते हैं तो इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज हैं वो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार है, एक टैबलेट सुबह नाश्ता करने के बाद पानी के साथ, एक टैबलेट रात में खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद पानी के साथ। तो दिन में आपको टोटल 2 टैबलेट्स लेनी है, 2 अलग अलग टाइम पे खाना खाने के बाद। सो गाइस, ये थी इस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो। आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पर्टिकुलरली और कोई जानकारी चाहिए हो,
बाय करने से पहले प्रोडक्ट ऑब्वियसली आदमी पूरा अस्वस्थ होना चाहता है, उसके बारे में पूरा ट्रस्ट गेन करना चाहता है। बहुत सारी जानकारी होती हैं जो शायद आपको यहाँ पे अभी ना मिल पाई हो। तो अगर कुछ ऐसा है आप इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं डिस्प्ले में नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको, यहाँ पे कॉल करके आप इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं टोटली फ्री होकर के। ये आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे, जो भी आपके क्वेश्चन हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आप उनसे बेहिचक पूछिए। अगर आपको पूरा ट्रस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट लेने लायक है तो फिर आप इस प्रोडक्ट को इसी नंबर पे, स्क्रीन के दिए नंबर पे कॉल करके आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं गाइज। सेकेंड चीज़, मैं इस प्रोडक्ट का आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चाहे तो डायरेक्टली लिंक से भी जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, या आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं इसको, या मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं गाइज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अभी आप तक ने नहीं किया है। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय गाइज़।